हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज मैं आप लोग को बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। और अभी ठंडी वाला वेदर है ना, तो बहुत शांति शांति सी रहती है। और वैसे भी रात में ही ना 7 बजे से एकदम शांति सी छा जाती है। और इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे ना, बिल्कुल कलरफुल, अलग अलग कलर में। और फूल फुलवारी मुझे दिख रहा है, मैं अपने वीडियो में ना इंक्लूड करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और सच बोलूँ ना, तो मेरा मन कर रहा था ना मैं सब तोड़ करके अपने पास रख लूं, लेकिन तोड़ने से अच्छा है लगे रहते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं ऊपर छत में आ गई हूँ। और कल हम लोग को सुबह सुबह यहाँ से निकल जाना है। तो इस बार मतलब अभी इधर आने के टाइम पे ना कुंडा के लिए बहुत कम ही टाइम के लिए आए, सिर्फ 2 दिन भी नहीं, एक ही दिन समझो। तो बस अभी हमें कल सुबह सुबह निकल जाना है, 8 या 9 बजे तक देखते हैं। क्योंकि एकदम सुबह सुबह नहीं निकल सकते ना, कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हो सकता है मे बी, हो सकता है हाईवे से जाना होगा, तो इसलिए ज़्यादा कोहरा में ना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए आराम से टाइम से निकलेंगे, ताकि उधर साइड पहुँचते पहुँचते ना कोहरा छट जाए। क्योंकि यहाँ से लखनऊ पहुँचने में हमें 3 साढ़े 3 घंटा लग जाएगा, और इसके बाद फिर उधर हाईवे पकड़ते पकड़ते भी 1-1.5 घंटा। तो ऐसे मतलब निकलेंगे ना कि ताकि हाईवे पकड़ने के टाइम पे ना 12 साढ़े 12 ऐसे का टाइम हो जाए, ताकि कोहरा छट जाए। तो इसलिए टाइम से नहीं निकलेंगे, वरना अगर गर्मी का टाइम होता ना, तो हो सकता है मैं भी सुबह 4-5 बजे भी निकल लेती, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना, तो जितना जल्दी निकलो उतना सही है। और कल फिर गाड़ी में पूरा 13-14 घंटा मतलब। और अभी ना पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा ना हैबिट सी होती जा रही, तो अभी अब बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम तो ना एकदम ऐसे 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 कर रहा था दिल, बट अभी अब वैसे नहीं रह गया है थोड़ा सा ना। जैसे कहते नहीं, कुछ आप काम करते रहो ना तो हैबिट हो जाती है, तो अभी इतना लंबा सफ़र करने की भी ना धीरे धीरे हैबिट हो रही है, तो अभी बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है। और थोड़े थोड़े गाड़ी से भी प्यार होने लगा है। मतलब जैसे पहले तो मतलब ना बहुत ज़्यादा उलझन होती थी, अभी उतनी गाड़ी में उलझन भी नहीं होती है। और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ घूमूंगी, फिर इसके बाद नीचे जाएंगे, देखते हैं क्या खाना बनाना है। तो खाना बनाएंगे, और मुझे अपनी पूरी पैकिंग भी करनी है, सामान पूरा पैक करना है, सब वैसे ही बैग में रखा हुआ है। और पैकिंग मीन्स कि जो मेरठ ले जाना है वो तो रखा रहेगा, बट कुछ साड़ियां हैं जो मुझे यहाँ रखना है, कुछ साड़ियां हैं जो मुझे सेफ से निकाल करके बैग में डालना है जो मेरठ ले जाना है। कभी कभार कुछ वैसा होता है ना कि साड़ी पहनने का मन करता है या साड़ी पहनना ही होता है, तो मैं अपने पास 2-4 साड़ियाँ ऑप्शन में रखती हूँ। कहीं कहीं भी मैं रहूँ, लखनऊ में भी रहती थी ना, तब भी मैं 2-4-6 साड़ियाँ अपने पास रखती थी, कि कभी मन करे या फिर कुछ फंक्शन है या फिर कोई पूजा पाठ वाला काम है तो साड़ी पहन ले, और ऐसा ना हो कि यार मेरे पास तो साड़ी नहीं, मैं पहनूं क्या। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा छत में ही सुकून मिलता है। और अभी तो ना मुझे ये पीछे वाली छत की आदत हो गई है, मैं आगे भी जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है ना। देखो आप लोग को दिखाऊँ, चारों तरफ का नज़ारा मिल जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ छत पे घूमूंगी, इसके बाद फिर नीचे जाऊंगी। और शाम के टाइम पे ना मेरी आदत है, मैं कहीं भी रहूं, अतर्रा में भी थी तो थोड़ी देर के लिए छत में निकल जाती थी, और मेरठ में भी रहती हूँ तो अक्सर आप लोग मुझे देखते होंगे शाम के टाइम पे मैं छत में घूमती हूँ। तो आदत है मेरी, जब तक मैं 10-15 मिनट घूम नहीं लेती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। मूंगफली खाते हैं, और मम्मी ने कल दिया था ना मूंगफली, तो कुछ मैं ले जाऊंगी मेरठ, और कुछ
यहाँ माँ निकाल करके अपने लिए रख ली है। तो ये देखो इतनी सारी, तो अभी माँ भी खाएंगी और मैं भी। हम दोनों को ही ना मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और कितनी ज़्यादा क्रंची है ना। तो मम्मी ने ना कल एकदम ताज़ी ताज़ी दी हुई थी, इसी वजह से ना इतनी ज़्यादा क्रंची है। और मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब ना ऐसे ताजी ताजी रहती हैं तभी अच्छी लगती हैं। सुबह गया, और अगर इसके साथ ना ताजा वाला नमक मिल जाए, जो ताजा मसाला वाला नमक पीसा जाता है ना, खूब सारी लहसुन धनिया पत्ता मिर्ची ये सब डाल करके, अगर वो वाला मसाला मिल जाए तब तो फिर क्या ही कहने। ये देखो क्या लेकर आई हूँ, ये क्या है, ये क्या है, मैं भी खा लूँ, खा लूँ। और लेकर आओ, नहीं तो नानी से और लेकर आओ ना। क्या चिप्स दे दीजिएगा, ऐसे ही रखी है। नहीं पर सवेरे हम बना दे ब्लाइट चिप्स रास्ता पर। अच्छा गुन्नू नानी से और ले आओ, जाओ लेकर आओ। उसको पहले खा लो तब, पहले इसको खा लो तब तब मिलेगा। मूंगफली खाओगे? ले 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 ले। देखो नानी कुछ दे रही है। नारियल तो करा थी ना, नहीं तो चली थी। मूंगफली के तेल नहीं जना था। हाँ। ये मूंगफली के तेल से निकाली है क्या? हाँ हाँ। तभी तो एक भी तेल नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो मक्का मूंग समझ रहा हूँ। हम मूंगफली तेल यूज करेंगे। ये क्या चल रहा है? कैमरा। कैमरा? कैमरा नहीं, कैमरा 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 चल रहा है। और लेने इतना सारा तो आप खा नहीं पाओगी, तो थोड़ा सा हम भी खाते हैं। मैं ऊपर आ गई हूँ और सारा नीचे सब कुछ, मतलब खाने पीने वाला जितना भी होता है ना, सब कुछ हो गया है और सबने खाना वगैरह भी खा लिया है। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ, तो अब नीचे नहीं जाना होगा। और अभी आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 9 ही बज रहे हैं और सब लोग जल्दी खा लिए, फ्री हो गए हैं। बस पापा नहीं खाए हैं, तो जब पापा आएंगे तो फिर माँ उनके लिए भी रोटी बना देंगी और वो खा लेंगे। इतनी लेट में पापा आते हैं ना कि अभी ठंडे का टाइम है कि फिर कौन बैठ करके इंतज़ार करे सिर्फ एक जन के लिए। तो माँ बना देती हैं रोटी। और अभी देखो मैं क्या लेकर के आई हूँ, ये देखो रसगुल्ला। तो हम लोग के साइड ना इसको छेना बोलते हैं, वैसे मतलब एक्चुअल नेम इसका रसगुल्ला है, बट हम लोग के साइड ना उल्टा होता है। मैंने कई बार बताया भी आई थिंक कि इसको छेना बोलते हैं और जो गुलाब जामुन होता है ना काला वाला, उसको रसगुल्ला बोलते हैं। तो उल्टा बोल रहे हैं हम लोग के साइड, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि कोई ये मत सोचना कि मैं छेना क्यों बोल रही हूँ। तो छोटा सा है ना, तो मैं दो लेकर के आई हूँ क्योंकि मेरा आज ना मीठा खाने का मन कर रहा था। लिटरली इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, देखो। तो ऐसे जो सॉफ्ट रहते हैं ना वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू वो जो थोड़ा सा वैसे खिचे खिचे से रहते हैं ना, ऐसे ये सफेद वाले रसगुल्ला, उनकी कंपेयर में मुझे ये सॉफ्ट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं अभी अब मैं अपना पूरा सामान रख ले रही हूँ क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, और सुबह वैसे भी कुछ कंफर्म नहीं है कि किस टाइम पे हमें निकलना है। और हो सकता है मे भी धूप अच्छे से निकल आए तो जल्दी ही निकल जाएँ, अगर कोहरा रहेगा तो थोड़ा लेट में निकलेंगे, मतलब 9-10 बजे तक निकलेंगे। तो वो कुछ कन्फर्म नहीं है अभी, बट सामान मैं अभी ही रात में पूरा रखूँगी क्योंकि अगर मैं अभी आलस आ गया ना मुझे, तो फिर सुबह बहुत ना हड़बड़ी सी हो जाएगी कि नहाना भी होगा रेडी भी हो
सोना होगा, प्लस सामान भी, जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना वो मैं सुबह ही रखने वाली हूँ। तो अभी ये जो कपड़े वाला जंजाल है ना, इसको मैं सेट कर लेती हूँ। और यार सच में मतलब ना, इस बार पूरे टाइम मेरा पैकिंग करने में, अनपैकिंग करने में ही पूरा टाइम मेरा निकल गया। बहुत ना अभी इरिटेशन सी होने लगी है। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।